रांड, रंडी ना? हाँ, मैं रांड हूँ, मैं रंडी। और तेरा ये बाबा बेचोदे साला। हम नारियों का बहुत सम्मान करते हैं, उनके लिए माता जी बहन जी संबोधन होता है मेरा। दोस्तों, हाल में रिलीज हुई वेब सीरीज को लेकर सोशल मीडिया पर काफी धमाल मचा हुआ है। आश्रम वेब सीरीज डायरेक्टर प्रकाश झा द्वारा बनाई गई है। इस सीरीज का बनाने का एक ही मकसद है कि आप इन बाबाओं से दूरी बनाकर रखें तो ठीक है, जो आस्था के नाम पर आपके विश्वास के साथ खेलते हैं। आपको बता दें कि लोगों द्वारा इस सीरीज को काफ़ी पसंद किया गया है। अगर बात करें आश्रम सीजन 1 और सीजन 2 की, तो इसे MX प्लेयर पर रिलीज किया गया है। इस सीरीज में बाबी देवल काफ़ी अच्छे रोल निभा रहे हैं। लोग बाबी देवल को बाबा के रोल में काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। इस सीरीज में बाबी देवल मुख्य भूमिका भी निभा रहे हैं। अगर आप वेब सीरीज के दोनों पार्ट देखे हैं तो हमें कमेंट में यस लिखकर जरूर बताएं। आश्रम 2 को 9 नवंबर को रिलीज किया गया था और इसको MX प्लेयर पर ही रिलीज किया गया था। इसके 9 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। आप लोग आश्रम सीजन 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। आपको बता दें कि अभी तक इसका आधिकारिक तौर पर इसका कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ही दिनों में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। अब बात करें कि सीजन 3 में आपको देखने को क्या मिल सकता है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि बाबा निराला संकट में नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पम्मी आश्रम से भाग चुकी है, जिसको पकड़ने के लिए बाबा निराला यानी बाबी देवल काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। बाबा का इरादा है कि पम्मी को पकड़कर मारने का है। एक तरफ हम देखें तो बाबा निराला काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि हुकुम सिंह को राजगद्दी प्राप्त हो चुकी है। वो भी अब बाबा का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार आश्रम 3 थोड़ी ही दिनों में देखने को मिल सकती है, लेकिन इसे जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसका ट्रेलर आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। इसको पहले की तरह MX प्लेयर पर ही रिलीज किया जाएगा, जो कि आप पहले से ही देखते आ रहे हैं। दोस्तों, आपको आश्रम सीजन 3 को बेसब्री से इंतजार है तो हमें कमेंट में यस लिखकर जरूर बताएं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।